ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो आपने एंजीनियरिंग ग्राफिक्स की अंदर लास्ट टाइम आपने डायमेंशन जो कई जोता था, क्लियर छे अहींया सुधी डायमेंशन? ने पछी डायमेंशन ना बे प्रकार कीधेला मैं तमने, एक तो चेन डायमेंशन अने पेरेलल डायमेंशन। चेन डायमेंशन एटले शुं? डायमेंशन ने आपणे केवुं राखवानुं छे, कंटीन्युअस, એટલે અહીંયાથી 20 પછી ત્યાંથી ન અલગ આગળ 15 પછી 25 અથવા તો આને બીજું કહેવાય છે સ્પેસિંગ ડાયમેન્શન, ચેન ડાયમેન્શન અથવા તો એને કહેવાય છે સ્પેસિંગ ડાયમેન્શન, અને બીજું છે પેરેલલ ડાયમેન્શન। પેરેલલ ડાયમેન્શન એટલે કેવું કે કોઈ એક રેફરન્સ પોઈન્ટ અથવા તો રેફરન્સ લાઈન હોય ત્યાંથી આપણે બધા ડાયમેન્શન અલગ અલગ માપતા હોઈએ છીએ। જેસે કે અમને યહાં પે એક પહેલી વાલી ડાયમેન્શન લે લી, तो वहां से हम सभी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन वहीं से नापेंगे, यानी कि जो हमारी पहली लाइन हो गई वो रेफरेंस लाइन हो गई। तो ये पैरेलल डायमेंशन को हम दूसरा क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट डायमेंशन भी बोलते हैं। ये आपको कहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करोगे ड्रॉइंग के लिए, जैसे कि मान लो ऑटो कैड, कैड आप यूज कर रहे हो कोई भी ड्रॉइंग के लिए, तो उसमें डायमेंशन आएगा। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको उसे चेन डायमेंशन देनी है कि पैरेलल, लेकिन वहां पे चेन और पैरेलल लिखा नहीं होगा, वहां पे आपको पूछेगा कि स्पेसिंग देनी है कि कोऑर्डिनेट देनी है। तो जो आपको स्पेसिंग यानी कि चेन डायमेंशन चाहिए तो वहां पे स्पेसिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको कोऑर्डिनेट डायमेंशन चाहिए तो वहां पे आपको पैरेलल जो है वो सिलेक्ट करने को रहेगा। तो ए हो गया टू टाइप्स ऑफ द प्लेसिंग द डायमेंशन। फिर आता है डायमेंशन के ऊपर हम कैसे डायमेंशन के ऊपर हम जो डायमेंशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो पहला है कि हमें जो डायमेंशन लिखा है, हमें जो डायमेंशन लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं, उसका नाप लिखते हैं फिगर में अंदर, उसे बोलते हैं कॉम्बाइन। और दूसरा है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जहाँ पे हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ की है, जैसे हमने कौन से ऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि हमें पैरेलल सिस्टम में जैसे काम किया था कि कोई एक रेफरेंस को हमने क्या मान लिया था, रेफरेंस हमने जीरो पे मान लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जीरो जो पॉइंट है वहां पे हमें डॉट मिला है, यानी कि ये जो है हमारा जीरो वो है रेफरेंस। फिर यहाँ पे एक साइड का ही एरो ड्रॉ किया गया है, यानी कि यहाँ से इतना 13 हो गया, यहाँ से इतना 45 हो गया, और जीरो से यहाँ तक लास्ट तक 60 हो गया। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव, जो बहुत ही कम यूज होती है। प्रोग्रेसिव ज्यादातर कौन सी होती है, कंबाइन, यानी कि जिसे जो है वो सेपरेट दिया गया है। तो ए हो गई कंबाइन और प्रोग्रेसिव, आगे थी चेन और पैरेलल। अब हमको कैसी है जो हमने पढ़ा वो देख लेते हैं। पहले है चेन डायमेंशन। डायमेंशन आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन। पैरेलल डायमेंशन में क्या हुआ था कि ऑल डायमेंशन आर शो फ्रॉम द कॉमन बेस लाइन, रेफरेंस लाइन जो है वहां और बेस लाइन है वहां से हम चालू करते हैं। फिर आता है कंबाइन। तो चेन एंड पैरेलल डायमेंशन यूज्ड टू द साइमल्टेनियसली। और प्रोग्रेसिव डायमेंशन, वन डेटम और अ सरफेस इज सिलेक्टेड एज अ रीड एज अ जीरो, यानी कि रेफरेंस ले लिया, वहां पे हमने जीरो ले लिया और वो रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हम डायमेंशन देते हैं। चारों चारों डायमेंशन हो गए, चेन, पैरेलल, कंबाइन एंड प्रोग्रेसिव। तो आपका इधर क्वेश्चन बन जाता है कि द वे ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशन इन अ सीरीज, उसमें चार आता है, जैसे चेन, पैरेलल, चेन का दूसरा नाम क्या है स्पेसिंग, पैरेलल का है ऑर्डिनेट, फिर आता है कंबाइन एंड फिर आता है प्रोग्रेसिव। अब डायमेंशन है उसकी दो पद्धति दी हुई है, दो प्रकार से हम डायमेंशन कर सकते हैं। वो चेन पैरेलल वो क्या था, डायमेंशन प्लेसिंग यानी कि हम प्लेस कहाँ पे करते हैं वो। अभी है दो प्रकार के सिस्टम, मोस्ट एमपी सिस्टम है, और आपको जो मैंने टाइटल बॉक्स में एक फिगर भी ड्रॉ करके बताई थी
वो उस इस हिसाब से होती है कि हम अलाइन सिस्टम से डायमेंशन करते हैं या यूनिडायरेक्शनल से। तो क्या फर्क है अलाइन में? इन द अलाइन सिस्टम ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन आर प्लेस परपेंडिकुलर ऑन द डायमेंशन लाइन इन अ सच अ वे दैट इट मे बी अ रे फ्रॉम द बॉटम एज और अ राइट हैंड एंड ड्रॉइंग शीट। ये हो गया हमारा अलाइन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ की हुई है उसमें जो हम डायमेंशन लिखते हैं वो डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर ही रहता है, यानी कि हम बॉटम से भी पढ़ सकते हैं और ये साइड का जो डायमेंशन है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम राइट हैंड एज से भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। आप देखो कि ये डायमेंशन के पी पी एस एस ई डी बी जो है वो क्या है, अलाइन सिस्टम। फिर आता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इन द यूनिडायरेक्शनल सिस्टम द डायमेंशन आर सो ओरिएंटेड सच अ दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द एज, यानी कि अब ये आ गया यूनिफॉर्म डायमेंशन। तो जो हॉरिजॉन्टल हमारा डायमेंशन है वो तो दोनों में कॉमन है, लेकिन बात करते हैं वर्टिकल डायमेंशन की। तो वर्टिकल डायमेंशन अलाइन में कैसा है कि जो हमारी लाइन ड्रॉ है उसके परपेंडिकुलर हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है कि जो हमारी लाइन है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, जैसा हमने हॉरिजॉन्टल में लिखा था वैसा ही यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम ड्रॉइंग बॉटम एंड से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम एंड और राइट एंड दोनों साइड से हमें रीड करना पड़ता है। समझ रहे हो आप दोनों में क्या है, चाहे आप अलाइन सिस्टम से डायमेंशन हो चाहे यूनिडायरेक्शनल। अलाइन यानी कि लाइन के ऊपर और लाइन को परपेंडिकुलर, और यूनिडायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शन हमारी जो है डायमेंशन देने की वो एक ही डायरेक्शन हो जाए। ये हो जाता है हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और अलाइन सिस्टम। दोनों कोई फिगर है आप ध्यान से देख लो। और ये हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, तो उसमें दो आ जाता है, कौन कौन से, अलाइन एंड यूनिडायरेक्शनल। अब हमें पढ़ना है थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन डायमेंशन। हम कोई भी चीज और कोई भी ड्राइंग का डायमेंशन करते हैं तो हमें तो थोड़े रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द डायमेंशन। तो सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर डायमेंशन। तो पहला क्या है, ऑल द डायमेंशन नेसेसरी फॉर द करेक्ट फंक्शनेट्रिक ऑफ द पार्ट शुड बी एक्सप्रेस डायरेक्शनल ऑन द ड्रॉइंग। कि हमें पहली बात तो है ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो हम डायमेंशन दे रहे हैं वो प्रॉपरली होने चाहिए, यानी कि हमें 10 फीट का डायमेंशन, 10 फीट हमने ड्रॉ किया है तो फिर हम उसका 12 फीट, 9 फीट, 8 फीट ऐसा नहीं, हमें एक्यूरेट रखना चाहिए। एवरी डायमेंशन शुड बी अ गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस, यानी कि हमें कोई भी डायमेंशन है वो हमें सभी डायमेंशन दिखाना है लेकिन एक से ज़्यादा बार नहीं दिखाना है। यानी कि हम देखते हैं कोई एक फिगर ले ली, तो ये जो हमने एस वाला डायमेंशन है, मान लो ये डी वाला डायमेंशन यहाँ पे दिखाया है, तो एक बार तो उसे सभी डायमेंशन को एक बार को दिखाना है, लेकिन दो बार नहीं, आपने यहाँ पे भी डी लिखा और यहाँ पे भी आप ऐसे डी लिखोगे, ये डायमेंशन दूसरी बार बताया, तो वैसा नहीं करना है। एक डायमेंशन एक बार ही दिखाना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि कोई भी डायमेंशन छूट ना जाए। थर्ड रूल्स क्या है, अ डायमेंशन शुड बी प्लेस ऑन द व्यू वेयर इट यूज द सन मोर क्लियरिटी, यानी कि हमें डायमेंशन हमारे हिसाब से अलाइन सिस्टम रखनी है या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम रखनी है वो हमारे हिसाब से रखनी पड़ेगी। मान लो कि हमारा कोई ड्राइंग से जो हम बॉटम से ही बार बार देखना चाहेंगे तो वहाँ पे हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम यूज करेंगे, लेकिन कोई ऐसा ड्राइंग है जो हमें कोने से भी देखना है, उसे रोटेट करके भी देखना पड़ेगा और ज़्यादातर वहाँ से ही देखना है, तो हम क्या करेंगे उसमें अलाइन सिस्टम यूज करेंगे, यानी कि हमें क्लियरिटी हो और जो हमारा सीट है उसे बार बार ऐसे ऐसे राइट या लेफ्ट वैसे घुमानी ना पड़े, उस हिसाब से हमें डायमेंशन देना है।
a dimension should be placed outside the view as far as possible. डायमेंशन है जो हमें वो ड्राइंग से थोड़ा दूर रखना है, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी डायमेंशन दे दिया वही लाइन उसके भीतर, तो क्या होगा उस परिस्थिति में कि हमारा ड्राइंग और डायमेंशन एक दूसरे से मिल जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ड्राइंग भी हमें देखना है और वहाँ से बन सके उतना थोड़ा डिस्टेंस हमें कवर करके रखना है। फिर है टर्म म्यूचुअल क्रॉसिंग ऑफ द डायमेंशन लाइन एंड द डायमेंशनिंग between the hidden line should be avoided. Also, it should not cross any other line of the drawing. अब हमें जो dimension line हम बना रहे हैं, वो हमारे drawing के ऊपर से ना जाने चाहिए और दो dimension line एक दूसरे से cross नहीं होनी चाहिए। हमें ये एक खास याद रखना है क्योंकि हमारा drawing है उसके ऊपर कोई भी dimension दिखना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई भी dimension line आनी नहीं चाहिए, या और कोई भी हमारी एक्सटेंशन लाइन है, हिडन लाइन है, वो भी डायमेंशन उसे क्रॉस करना नहीं चाहिए। एट द आउटलाइन और अ सेंट्रल लाइन शुड बी नेवर बी यूज्ड एज अ डायमेंशन लाइन। अ सेंट्रल लाइन मे बी एक्सटेंडेड टू सर्व एक्सटेंशन लाइन। हम डायमेंशन के लिए कभी भी सेंट्रल लाइन का यूज नहीं करेंगे। जो हमने बहुत सारी लाइन हमें ड्रॉ की थी, लाइन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे, उसमें से जो सेंट्रल लाइन डिनोट करता है वो कभी भी डायमेंशन के लिए हम यूज नहीं करेंगे उस टाइप की लाइन। अलाइन सिस्टम ऑफ द डायमेंशन इज द रिकमांडेड। दो सिस्टम थी, यूनिडायरेक्शनल और अलाइन, तो जब तक बन सके तब तक हमें कौन सी सिस्टम यूज करनी है, अलाइन सिस्टम यूज करनी है। डायमेंशन लाइन शुड बी ड्रॉन एटलीस्ट 8 mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ द ईच अदर। यानी कि हमारा ड्राइंग की जो आउटलाइन फेस है वहां से मिनिमम हमें 8 mm की दूरी तो बना ही रखनी है डायमेंशन लाइन के लिए। द एक्सटेंशन लाइन शुड बी एग्जैक्टली बाय अबाउट 3 mm बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन। यानी कि हम जो डायमेंशन लाइन के बाहर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं वो एग्जैक्टली हमें 3 mm जितनी तो ड्रॉ करनी ही करनी है। फिर आता है व्हेन द स्पेस इज टू नैरो, यानी कि डायमेंशन बहुत छोटा है तो उसके ऊपर हम डायमेंशन लिख नहीं पाते हैं, तो वहां पे हम मान लो कि 2 mm का डायमेंशन है तो उसके बीच में हमें 2 mm लिखना इम्पॉसिबल है। ऐसा तो करना नहीं है कि सभी डायमेंशन बड़ी स्केल में लिखा और 2 mm वाला छोटे स्केल में, तो हम क्या करेंगे, व्हेन द स्पेस इज टू नैरो द एरो हेड मे बी प्लेस्ड आउटसाइड एंड ऑल्सो डॉट मे बी यूज रिप्लेस द एरो हेड। यानी कि अगर डायमेंशन छोटा है और एरो लाइन और हमारा डायमेंशन नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों एरो हमने बाहर रखा और ऊपर डायमेंशन लिख दी, जैसे 15-10, फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन और एरो की जगह हम डॉट भी यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ द स्पेस इज अ वेरी नैरो। The various method of the dimension is a different size of a circle or as हम circle हो कोई भी तो वहाँ पे हम इनमें से कोई भी method use कर सकते हैं। ये है dimension arrow, phi is equal to 10, ये वाला भी हम use कर सकते हैं, ये वाली system भी हम use कर सकते हैं और ये वाला भी system use कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बन सके वहाँ तक ये system use नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो हमें डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन लेटरिंग लिखा है वो क्या हो रहा है, हमारे सेंट्रल लाइन से क्रॉस हो रहा है, तो हमें ऐसा करना नहीं है जब तक पॉसिबल है तब तक, तो हम इन तीनों में से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फिर कोई आर्क है, कोई रेडियस है, उसका डायमेंशन कैसे देना है तो उसका भी इस प्रकार से हम डायमेंशन दे सकते हैं कि ए आर्क है जो रेडियस उसकी 8 है, इसकी 20 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, तो हमें आर्क है जहाँ पे भी आर्क आती है, कर्व आता है, रेडियस आती है, वहाँ पे हमें डायमेंशन इस प्रकार से देने हैं। फिर रेडियल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इज, यहाँ पे हम स्फेरिकल और स्क्वायर जो वहाँ पे मिलते हैं तो उसका रेडियस हमें कैसे देना है, तो स्फेयर R25 स्क्वायर हो तो
और स्क्वेयर हो, स्क्वेयर हो, स्फीयर हो तो R20, स्फीयर लिखना है यहाँ पे, और स्क्वेयर हो तो यहाँ पे हमें SQ जो स्क्वेयर डिनोट करता है। फिर एंगल, एंगुलर डायमेंशन, तो एंगल हम, ये छोटा एंगल है तो उसके लिए एरो हम बाहर रखेंगे, ऐसे एंगल डिनोट करेंगे, अंदर हो जाता है तो अंदर भी डिनोट कर सकते हैं, बड़ा एंगल है तो हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ए हो गया हमारा एंगल। फिर आता है चैम्फर, चैम्फर यानी कि क्या, कटिंग जो होता है हमें उसे चैम्फर बोलते हैं। तो चैम्फर क्या है यहाँ पे कि दो चैम्फर दिए गए 45 डिग्री पे, तो उसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फिर आता है ट्रेपर सेक्शन, ट्रेपर सेक्शन किसे बोलते हैं, कोई ऐसा सेक्शन को जिसकी लंबाई एक एंड पे डायामीटर थोड़ा कम है, दूसरे एंड पे उसका डायामीटर ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं टेपर सेक्शन। तो टेपर सेक्शन है उसका भी हम कैसे देते हैं डायमेंशन, तो उसका आता है जेम के यानी कि गुणोत्तर में आता है, तो 1 जेम 20 यानी कि इसका स्लोप क्या हो गया कि आप 1 मीटर ऐसे चलोगे हॉरिजॉन्टली तो आप ऊपर के, इसका मतलब ये हो गया कि आप 20 मीटर तक चलोगे तो 1 मीटर तक आप ऊपर आओगे, ये उसका हो गया स्लोप। अब हमारे पास लास्ट में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टॉपिक है हमारा स्केल, कि स्केल क्या है, स्केल यानी कि वो फुट पट्टी नापने की नहीं। मैंने आपको बीच में भी बताया था कि स्केल क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज है। मान लो कि हमें एक क्या है, हमें एक फोर व्हीलर कार है, उसका ड्राइंग हमें ड्राइंग शीट पे करना है। तो फोर व्हीलर कार तो 10 फीट लंबी होगी उसकी लंबाई, और हमारी सीट की कोई भी सीट उतनी साइज की है 10 फीट लंबी नहीं है, क्या करेंगे, हम स्केल ले लेंगे। यानी कि हम कोई, मान लो कि 10 फुट है, अब मेरी बात समझिए, 10 फुट है, यानी कि हम, मैं क्या बोलूँगा कि मैं 1 फुट ड्राइंग में, क्या होगा कि मैं ड्राइंग में अगर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा तो रियल में मेरा कितना हो जाएगा, 1 फुट, समझ रहे हो, यानी कि मैंने 1 फुट को ड्राइंग के अंदर 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, तो अब 10 फुट होगा तो 10 सेंटीमीटर मेरी सीट में आराम से आ जाएगा। तो स्केल हमें ऐसे लेनी है कि हमारा सब, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ड्राइंग सेट के अंदर हम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो बहुत छोटा भी नहीं हो जाए, उतना छोटा भी नहीं हो जाए कि सीट हमारी आधी से ज़्यादा वो वैसे ही चली जाए, और उतना बड़ा भी नहीं करना है कि सीट के अंदर आ नहीं सके। तो हमें स्केल अपने हिसाब से लेना है। और स्केल क्या होता है, अब आप समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा, कि कोई बड़ी चीज़ है अथवा तो कोई छोटी चीज़ है, छोटी यानी कि मुझे एक क्या ड्रॉ करना है, चलो मान लो मुझे मोबाइल ड्रॉ करना है सीट के अंदर, तो मोबाइल सीट हमारी है A0 साइज थी, बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके अंदर हम मोबाइल ड्रॉ करेंगे तो बहुत जगह से खाली बच जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल जो हमारा 7 इंच वाला है, यानी कि हम मान लो कि उसके 7 इंच है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच को हम कैसे ले, 1 इंच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऐसा हम स्केल ले लेंगे, यानी कि जो 7 इंच का है वो हमारा कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें स्केल लेनी है। और स्केल में क्या होगा सभी डायमेंशन जो है फिर वो स्केल में आ जाएंगे, यानी कि 10 फीट लंबी हमारी कार है और 3 फुट चौड़ी है, तो हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने 1 सेंटीमीटर यानी 1 फुट कंसिडर किया था, तो जो हमें बॉक्स बनाना है कार के लिए तो हम सीट के अंदर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, और रियल में क्या है, 10 फीट बाई 3 फीट, समझ रहे हो आप। तो मैंने स्केल क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, वो मेरा हो गया स्केल। अब हम स्केल की डेफिनेशन समझते हैं। डायमेंशन ऑफ ए लार्जर ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिड्यूस टू द अकोमोडेट और अ स्टैंडर्ड साइज ड्रॉइंग सीट इन द रिडक्शन क्रिएट अ स्केल ऑफ द रिडक्शन रेशियो विच आर द जनरली एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि कोई फ्रैक्शन है, मान लो कि मैंने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट ले लिया,
तो मेरा फ्लेक्शन क्या हो गया, 1 जेम 1। फिर मैं 1 जेम 10 भी ले सकता हूँ, 1 जेम 20 भी हो सकता है मेरा फ्लेक्शन, जिस हिसाब से मुझे चाहिए उस हिसाब से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है, डायमेंशन ऑफ द ड्रॉइंग डिवाइडेड बाई द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है हमारे ड्रॉइंग को। बड़ा ड्रॉइंग है तो हमारी सीट के अंदर तो आ नहीं पाएगा, तो उसे हम क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। और स्केल हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो और फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि डायमेंशन ऑफ द ड्रॉइंग, हम ड्रॉइंग के अंदर कौन सा डायमेंशन यूज करते हैं और एक्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या डायमेंशन है। मान लो कि कोई 200 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, वो हम ड्रॉइंग में उसका 2 सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। एक्चुअल में हमारे 200 सेंटीमीटर है, लेकिन हम स्केल में 200 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर में डिनोट करते हैं। तो हमारा आरएफ क्या हो गया, एक्चुअल साइज ऑफ द ड्रॉइंग, तो वो क्या है हमारा 200, और डायमेंशन ऑफ द ड्रॉइंग वो क्या है 2। तो हमारा आरएफ क्या हो गया, 2/2200। तो हमारा आरएफ हो गया 1 जेम 100 का। तो हमारा आरएफ हो गया 1 जेम 100 का। लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग बाय एक्चुअल लेंथ, एरिया ऑफ द ड्रॉइंग बाय एक्चुअल एरिया, एंड क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉइंग बाय एक्चुअल वॉल्यूम, वो हो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। सिमिलरली इन केस ऑफ द टीनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, डायमेंशन मस्ट बी इंक्रीज फॉर द अबव पर्पस, हेंस दिस स्केल इज कॉल्ड एनलार्जिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल, दो स्केल आता है। रिड्यूसिंग में क्या करते हैं, हम डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, और एनलार्जिंग स्केल में हम डायमेंशन को एनलार्ज करते हैं। हियर द रेशियो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज द मोर देन अ यूनिटी। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा क्या है, एक कर से ज्यादा होता है। द फुल साइज ऑफ द स्केल, यानी कि जो ड्रॉइंग हमें एक्चुअल साइज में वही हम सीट के अंदर ड्रॉ करते हैं, तो उसका आरएफ क्या होता है, 1/1, 1 जेम 1। फिर हम स्केल जैसे जैसे बड़ा करते हैं वैसे वैसे हमारा जो फ्रैक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। स्केल क्या है वो आपको पता चल गया कि कोई बड़ी साइज की हमारी चीज है जो ड्रॉइंग सीट के अंदर नहीं आ पाती, तो उसे हम क्या करते हैं, उसकी स्केल हमें उसकी साइज को रिड्यूस करते हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट, जैसे कोई छोटी सी चीज है जो हमारी सीट के अंदर बहुत छोटी लगती है, तो उसे हम क्या करते हैं, स्केल में बहुत बड़ा कर लेते हैं, यानी कि एनलार्ज स्केल और रिड्यूसिंग स्केल। तो जिस हिसाब से हमारा स्केल होता है, जिस हिसाब से हमारा डायमेंशन होता है, उस हिसाब से हम स्केल तो बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आज हमने और यहाँ तक हमारा जो पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पहला चैप्टर यानी कि हमारा हो जाएगा दूसरा चैप्टर, हम स्टार्ट करेंगे कि इंजीनियरिंग कर्व्स। कर्व यानी कि क्या, रेडियस जो होती है उसे हम कर्व बोलते हैं। तो किस किस टाइप के कर्व आते हैं और कैसे उसे ड्रॉ किया जा सकता है वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मैं आपको क्वेश्चनरी दे दूं, तो पहला तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज स्केल, दूसरा है रूल्स फॉर डायमेंशन, रूल्स फॉर डायमेंशन, और फिर हम कौन सा एक क्वेश्चन हमारा बाकी है ना, तीसरा ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ डायमेंशन।
सिस्टम ऑफ द डायमेंशन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का बेसिक जो है वो हमने आज खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब सिलेबस को आगे पढ़ेंगे।